Poxa. 27 सितंबर 2019 के महावाक्य है साकार बाप दादा, कहते मीठी मीठी बच्ची तुम सर्व आत्माओं को कर्म बंधन से सेल्वेज करने वा सेल्वेशन आर्मी हो, सेल्वेज करने वाले सेल्वेशन आर्मी हो। किसको याद है सेल्वेशन आर्मी? सेल्वेशन आर्मी एक इस प्रकार की आर्मी होती है जो युद्ध शुरू होने से पहले से लेकर युद्ध खत्म होने के बाद तक सारे काम होगा। युद्ध शुरू होने से पहले प्लानिंग करना, कहाँ कहाँ युद्ध हो सकता है वहाँ वो सारी व्यवस्थाएं तैयार करना, वहाँ के सारे नक्शे तैयार करना, वहाँ की सारी व्यवस्था को अपनी बुद्धि में रखना। फिर अचानक युद्ध होता है, पता के तो बता के तो होता नहीं, तो उस समय वो सुविधाएं सारी काम आती हैं। उनको नक्शा बना के देते हैं कि इधर से जाना है, इस रास्ते से जाना है, वहाँ ये होगा, वहाँ ये होगा, क्योंकि वो तो सब अनजान है ना, कहाँ जाएंगे। तो उनको इस प्रकार से सारी तैयारी करनी और युद्ध कराना, युद्ध के दौरान उनको सारी सेल्वेशन देना, उनकी डाक पहुँचाना, राशन पहुँचाना, गोला बारूद सामान जो भी वहाँ चाहिए, और युद्ध खत्म हो जाए तो उनको वहाँ से उठा करके भी लाना। सपोर्टिंग आर्मी। हाँ जी, सपोर्टिंग आर्मी। इसको आर्मी जो है वो ये सपोर्टिंग आर्मी है। इसको बाबा कहते सेल्वेशन आर्मी, सेल्वेशन आर्मी, हर प्रकार की सेल्वेशन देने वाली। और बाबा कहते वास्तव में ये आर्मी तुम हो, जो घर बैठे हैं उनके दिमाग में जाकर बाबा का परिचय देकर बुराइयों के कारण तुम्हारे जीवन में दुख आए हैं, इन राक्षसों को मारो, उनका युद्ध कराते हो, फिर उन्हें युद्ध में सहयोग देते हो ताकि वो अपनी इन बुराइयों पर विजय पा सके, और फिर सब आत्माओं को, चाहे वो पूरी सुधरी हैं, चाहे आधी सुधरी हैं, चाहे नहीं सुधरी हैं, कितनी भी सुधरी हैं, सब आत्माओं को आप वापस घर ले जाए। तो आप हो वो सेल्वेशन आर्मी जिसने सारे संसार की आत्माओं को सेल्वेज देना है, उनके कर्म बंधनों से उनको मुक्ति दिलानी है। तुम्हें कर्म बंधन में नहीं फंसना, तुम दूसरों को निकालने वाले हो तो तुम कर्म बंधन में कैसे फंस सकते हो? प्रश्न, कौन सी प्रैक्टिस करते रहो तो आत्मा बहुत शक्तिशाली बन जाएगी? क्या प्रैक्टिस करो तो आपकी आत्मा क्या बन जाएगी? शक्तिशाली बन जाएगी। जब भी समय मिले तो शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करो कि मैं ये देह नहीं, इस देह से न्यारी आत्मा, ये मेरी रोल प्ले करने के लिए मुझे ये देह मिली है, परंतु मैं इस देह से अलग, देह से कर्म कराने वाली आत्मा, देह के द्वारा अपना श्रेष्ठ भाग्य लिखने वाली मैं आत्मा, ये बुद्धि में रहे। डिटैच होने से आत्मा में शक्ति वापस आएगी, उसमें बल भरेगा। तुम अंडरग्राउंड मिलिट्री हो, तुम्हें डायरेक्शन मिलता है, अटेंशन प्लीज, और एक बाप की याद में रहो, अशरीरी, और क्या हो जाओ, अशरीरी। अशरीरी होने का मतलब शरीर का भान ना रहे, शरीर का भान ना रहे।
ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बाप ने अच्छी रीति समझाया है। क्या है ओम शांति का अर्थ? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मुद आत्मा का घर शांति धाम है, मुद आत्मा का पिता परमात्मा शांति का सागर है। ओम माना आत्मा, ओम माना ज्योति, ओम माना ज्योति, तो ज्योति कौन है? मैं आत्मा ज्योति स्वरूप शांत स्वरूप, और ओम माना ज्योति परमात्मा भी ज्योति, ओम माना ब्रह्म ज्योति का देश हम आत्माओं का घर। ज्योति के कारण ओम को तीन जगह यूज। जहां मिलिट्री खड़ी होती है वहां पे वे फिर कहते हैं अटेंशन, उन लोगों का अटेंशन माना साइलेंस। वो अटेंशन कहते हैं क्योंकि आपस में खड़े होंगे तो बातचीत करेंगे, और फिर उनका जो कमांडर होगा, जो भी उनको लीडर होगा, वो कहेगा अटेंशन, मीन्स सब चुप हो जाओ, साइलेंस। यहां भी तुमको बाप कहते अटेंशन, यहाँ टेंशन का क्या मतलब होगा? हाँ, बस मेरी याद में आ जाओ। यहाँ टेंशन का मतलब है बस सब तरफ से बुद्धि हटाकर मुझे एक बाप को याद कर। मुख से बोलना होता है, नहीं तो वास्तव में बोलने से भी दूर होना चाहिए। बोलने से भी क्या होना है? तो अटेंशन बाप की याद में हो। बाप का डायरेक्शन या श्रीमत मिलती है, तुमने बाप की श्री बाप तुम आत्मा तुमने आत्मा को भी पहचाना, बाप को भी पहचाना, तो बाप की याद में रहने बिगर तुम विकर्मा जीत या सत्व प्रधान नहीं बन सकेंगे। मूल बात ही ये है, बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, अपने को आत्मा समझ, मुझे एक बाप को याद करो, पवित्र बनो। ये सब हैं इस समय की बातें जो फिर उस तरफ ले गए हैं। वो भी मिलिट्री है, तुम भी मिलिट्री हो, अंडरग्राउंड मिलिट्री भी होती है ना, गुम हो जाते हैं, तुम भी अंडरग्राउंड हो। वो भी मिलिट्री, तुम भी मिलिट्री, अंडरग्राउंड मिलिट्री भी होती है, गुम हो जाते हैं, तुम भी अंडरग्राउंड हो, तुम भी गुम हो जाते हैं, अर्थात बाप की याद में लीन हो जाते हो। इसको कहा जाता है अंडरग्राउंड, कोई पहचान ना सके, क्योंकि तुम गुप्त हो ना, तुम्हारी याद की यात्रा भी गुप्त है। शशि तुम्हारी याद की यात्रा भी गुप्त है। सिर्फ बाप कहते मुझे याद करो, क्योंकि बाप जानते हैं याद से इन विचारों को कल्याण होगा। अब तुमको विचारा कहेंगे ना, विचारा किसे कहा जाता है? जिसके माता पिता ना, उसे कहा जाता है बेचारा या छोरा। मुरलियों में दो शब्द आते हैं, एक आता है बेचारा, एक आता है छोरा। छोरा हो गया मतलब इसका बाप मर गया या माँ मर गया। स्वर्ग में बिचारे होते नहीं, बिचारे उनको कहा जाता है जो कहां बंधन में फंसे रहते हैं।
ये भी तुम समझते हो, बाप ने समझाया है तुमको, लाइट हाउस भी कहा जाता है, बाप भी लाइट हाउस, बाप को भी लाइट हाउस कहा जाता है। बाप घड़ी घड़ी समझाते हैं, एक आंख में शांति धाम दूसरी आंख में सुख धाम रखो। तुम जैसे लाइट हाउस हो, उठते बैठते चलते तुम लाइट होकर रहो, सबको सुख धाम शांति धाम का रास्ता बताते रहो। इस दुख धाम में सबकी नैया अटकी पड़ी है, तब तो कहते हैं नैया मेरी पार लगाओ। हे मांझी, सबकी नैया फंसी है, वास्तव में सेल्वेशन आर्मी तो तुमको, सबकी नैया पार करने वाले। वे कोई सेल्वेशन आर्मी तो है नहीं, कुछ ऐसे ही नाम रख दिया है। वास्तव में सेल्वेशन आर्मी तो तुम हो, जो हर एक को सेल्वेज करते हो। सब पांच विकारों की जंजीर में अटके पड़े हैं, इसलिए कहते हैं हमको लिबरेट करो, सेल्वेज करो। तो बाप कहते हैं कि इस याद की यात्रा से तुम पार हो जाएंगे। अभी तो सब फंसे हुए हैं, बाप को बागवान भी कहते हैं। इस समय की ही सारी बात, बाबा क्या है? बागवान। और हमें क्या बना रहे हैं? गुल गुल फूल बना रहे हैं, सबको सुख देने वाला फूल, खुशबू देने वाला। अभी तो सब कांटे हैं, सब कांटे क्यों हैं? सब एक दो को दुख देते रहते हैं। सब पांच विकारों की जंजीर में अटके पड़े, इसलिए कहते हैं हमको लिबरेट करो, सेल्वेज करो। तो बाप कहते हैं इस याद की यात्रा से तुम पार हो जाएंगे। अभी तो सब फंसे पड़े हैं, बाप को बागवान भी कहते हैं। इस समय की ही सारी बातें हैं, तुमको फूल बनना है। अभी तो सब कांटे हैं क्योंकि हिंसक है, अभी अहिंसक बनना है, पावन बनना है। जो धर्म स्थापना करने आते हैं वे तो पवित्र आत्माएं ही आती हैं, वे तो अपवित्र हो ना सके। पहले पहले जब आते हैं तो पवित्र होने कारण उनकी आत्मा व शरीर को दुख मिल ना सके, क्योंकि उन पर कोई पाप है नहीं। हम जब पवित्र हैं तो कोई पाप नहीं होता, तो दूसरों का भी नहीं होता। हर एक बात पर विचार करना होता है, कोई भी बात सुनते हो उसको बैठकर क्या करो, विचार करना होता है। वहां से आत्माएं आती हैं, धर्म स्थापन करते हैं, जिनकी फिर डिनेस्टी भी चलती है। सिख धर्म की भी डिनेस्टी है, सन्यासियों की भी डिनेस्टी थोड़े चलती है, सन्यासियों की कोई डिनेस्टी नहीं, राजाएं थोड़े ही बने हैं। सिख धर्म में महाराजा आदि हैं, तो वे जब आते हैं स्थापना करते हैं करने, तो वे नई आत्मा आती है। क्राइस्ट ने आकर के क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, बुद्ध ने आकर के बोधि, इब्राहिम ने इस्लाम, सबके नाम से राशि, सबके नाम की राशि मिलती है। देवी देवता धर्म का नाम नहीं मिलता। निराकार बाप ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, वे देहधारी नहीं है, और जो धर्म स्थापक है उनकी देह के नाम है। ये तो देहधारी नहीं, डिनेस्टी नई दुनिया में चलती है। तो बाप कहते हैं बच्चे अपने को रूहानी मिलिट्री समझ, उन मिलिट्री आदि के कमांडर आदि होते हैं ना, कहते हैं टेंशन तो झट खड़े हो जाते हैं। अब वे तो हर एक को अपने गुरु को याद करेंगे या शांति में रहेंगे, परंतु वे झूठी शांति हो जाती है। तुम जानते हो हम आत्मा है, हमारा धर्म ही शांति है, हमें घर ही शांति मिलेगी, शांति देश, शांति का धाम। अभी तुमको ज्ञान मिलता है, ज्ञान सहित याद में रहने से पाप करते हैं, ये ज्ञान और कोई को नहीं। मनुष्य ये थोड़े ही समझते हैं कि हम आत्मा शांत स्वरूप हैं,
हमको शरीर से डिटैच हो बैठना है, वे तुमको वो बल मिलता है जिससे तुम अपने को आत्मा समझ बाप की याद में बैठ सकते हो, यहाँ तुम्हें बल मिलता है। दुनिया में और कहीं बल नहीं मिलता। कौन सा बल? कि तुम आत्मा हो और परमात्मा की संतान हो। बाप समझाते हैं कैसे अपने को आत्मा समझ डिटैच होकर बैठो। तुम जानते हो हम आत्माओं को अब वापस घर जाना है, हम यहाँ के रहने वाले हैं, जहाँ के रहने वाले हैं इतने दिन, कैसे अपने को आत्मा समझ डिटैच होकर बैठो। विधि समझ में आई? कैसे अपने को आत्मा समझ डिटैच होकर बैठे हैं? इतने दिन घर को भूल गए थे, और कोई थोड़े ही समझते हैं हमको घर जाना है। पवित्र आत्मा तो वापस जा ना सके, ना कोई ऐसे समझाने वाला है कि किसको याद करो। बाप समझाते हैं याद एक को ही करना है, और कोई को याद करने से क्या फायदा। समझो भक्ति मार्ग में शिव शिव कहते रहते हैं, मालूम तो किसको है नहीं कि इससे क्या होगा। शिव को याद करने से पाप कटेंगे ये किसी को भी पता नहीं है। आवाज सुनाई देगा सो तो जरूर आवाज होगा ही, इन सब बातों में कोई फायदा नहीं है। बाप तो इन सब गुरुओं से अनुभवी हैं। बाप ने कहा है हे अर्जुन, इन सब बातों से कोई फायदा नहीं। बाबा तो इन सब गुरुओं से अनुभवी है। बाप ने कहा है हे अर्जुन, इन सब को छोड़ो, सतगुरु बाप को याद करो। बाबा तो इन सब गुरुओं से अनुभवी है। बाप ने कहा है ना अर्जुन, इन सब को छोड़ो, सतगुरु मिला तो इन सब की दरकार नहीं। सतगुरु तारता है। बाप कहते हैं मैं तुम्हें आसुरी संसार से पार देवी संसार में ले जाता हूं। आसुरी संस्कार माना, आसुरी संस्कार माना देह समझ का साधन जो व्यवहार करते हैं, ये आश्री संस्कार। सतगुरु मिला तो इन सब की दरकार ही नहीं, सतगुरु तारता है। बाप कहते हैं मैं तुम्हें आसुरी संसार से पार ले जाता हूँ, विशेष सागर से पार ले जाता हूँ। ये सब बातें समझने की हैं। मां जी तो वैसे नाव चलाने वाले को कहा जाता है। बाप कहते मैं तुम्हें आसुरी संसार से पार ले जाता हूँ, विशेष सागर से पार ले जाना। ये सब बातें समझने की हैं और समझाने की हैं। मांझी तो वैसे नाव चलाने वाला होता है, परंतु समझाने लिए ये नाम पड़ गए हैं।
उनको कहा जाता है प्राणेश्वर बाबा, प्राणों का दान देने वाला बाबा, वो अमर बना देते हैं। प्राण आत्मा आत्मा बिगर शरीर में ही बास कर बास हो जाती है। आत्मा निकल जाए, आत्मा बिगर शरीर में क्या हो जाएगी, बास बदबू। फिर उनको रख करके क्या करेंगे, जानवर भी ऐसे नहीं करते। सिर्फ एक बंदर है जो मरे हुए बच्चे को भी चिपकाए रहता। उनका सिर्फ एक बंदर है जो बच्चा मर जाता है, बांस होती है, तो भी उस मुर्दे को छोड़ते नहीं, लटकाए रहेंगे। ये भी वे भी जानवर हैं। तुम बच्चे, तुम तो मनुष्य हो ना, शरीर छोड़ा तो जल्दी जल्दी, उन कहेंगे जल्दी उनको बाहर निकालो। मनुष्य कहेंगे स्वर्ग पधारा। जब मुर्दे को उठाते हैं तो पहले पैर कहाँ करते हैं, मुर्दा उठाते तो पैर किधर होते हैं जी, पैर होते हैं शमशान की तरफ और सिर होता है घर की तरफ, बीच में चेंज कर। फिर जब वह अंदर अंदर घुसते हैं, पूजा आदि कर समझाते हैं अब ये स्वर्ग जा रहा है, तो उसे फिराकर मुंह शमशान तरफ कर। अब ये स्वर्ग जा रहा है तो उसे फिराकर मुंह शमशान तरफ कर देते हैं। तुमने कृष्ण को भी एक्यूरेट दिखाया है, नर्क लात को, लात से नर्क को लात मार रहा है। कृष्ण का ये शरीर तो नहीं है, उनका नाम रूप तो बदलता है। कितनी बातें बाप बैठ समझाते हैं, फिर कहते हैं मन मना, अपने मन को बैठ कर मना। यहाँ आकर जब बैठते हो तो अटेंशन बुद्धि बाप में लगी रहे। तुम्हारा ये अटेंशन फॉर एवर सदा के लिए है, जब तक जीना है बाप को याद करना है। याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप करते हैं, याद ही नहीं करेंगे तो पाप भी नहीं करते। बाबा भिन्न भिन्न नमूने से बताते हैं, तुम अपने की संभाल करते हो, लाइट हाउस बनने में अपना कल्याण करते हो, बाप को याद करना जरूर है। जब कोई रास्ते में मिले उनको बताना है, पहचान वाला भी मिले, मिलते हैं ना वो, एक तो ये तो एक दो को राम राम जी करते हैं, और आप क्या बोलेंगे, वो तो मिलते राम राम जी करते, तो हम क्या बोलेंगे। ये नैया है जो रावण की जेल में, जिसको बाप आकर पार कराते हैं, तो रावण की जो रावण की जेल में लटकी पड़ी है। मनुष्य मनुष्य को सेल्वेज कर नहीं सकते, ये तो सब है आर्टिफिशियल हद की बातें, और वो ये है बेहद की बात।
सोशल सोसाइटी की सेवा भी वे नहीं है। वास्तव में सच्ची सेवा ये है। अभी भी मनुष्यों को क्या सर्विस करें तुम्हारी बुद्धि में है। पहले भी कहना है तुम गुरु करते हो मुक्ति धाम में जाने के लिए, बाप से मिलने के लिए, परंतु कोई मिलता नहीं। बाबा कहते उनको समझाओ, कुछ नहीं मिलता। मिलने का रास्ता बाप ही आकर अब बतलाते हैं। आखिरी तुमको कब जाना है या कब चलना है? पहले तो कहना है तुम गुरु करते हो मुक्ति धाम में जाने के लिए, बाप से मिलने के लिए, परंतु कोई मिलता नहीं। मिलने का रास्ता बाप ही बतलाते हैं। वो समझते हैं ये शास्त्र आदि पढ़ने से मिलता है, दिलासे पर रहने से फिर आखिरी कोई ना कोई रूप में मिलेगा। कब मिलेगा ये बाप ने तुमको सब कुछ समझा दिया। बिल्कुल, जो भी धर्म स्थापक हैं वे भी ऐसे इशारा देते हैं, क्योंकि तुमने शिक्षा दी है तो वे भी ऐसे इशारे देते हैं। साहिब को जप, उन्होंने पुस्तक लिख दी जप साहिब। वे बाप ऐसा तो गुरु, बाकी तो अनेक प्रकार की शिक्षाएं देने वाले हैं, उनको कहा जाता है गुरु। आशरीरी बनने की शिक्षा कोई जानते नहीं। तुम कहते हो शिव बाबा को याद करो तो वो लोग कहते हैं नहीं। तुम बच्चे जब यहाँ बैठते हो तो इस धुन में बैठो। तुम जानते हो कि हम कैसे फंसे हुए थे दुनिया में। अब बाप ने आपका रास्ता बताया है, बाकी सब फंसे पड़े हैं, छूटने नहीं हैं। सजाएं खाकर फिर सब छूट जाएंगे। तुम बच्चों को समझाते रहते हैं मोचरा खाकर फिर भी मोचरा खाओ फिर क्या मिलेगी? माने मोटी 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 रोटी। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, भगवान का बगीचा। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं पैराडाइज था। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं पैराडाइज कोई समय साकार भी कर सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ के धर्म वाले हों तो जो फिर अपने धर्म में निकल आएंगे। जो अपने घर के है ना, जो सनातन धर्म की आत्माएं हैं, जो दूसरे धर्मों में चले गए हैं, वो यहाँ आएंगे और ऊपर में ही निकल आएंगे। स्वर्ग को कहा जाता है, क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं यहाँ के धर्म वाला हो जो फिर अपने धर्म में आ सकते हैं, बाकी सिर्फ देखा तो क्या हुआ। मान लो किसी ने परमात्मा को देख भी लिया तो बाबा पूछ रहे क्या हुआ।
देखने से कोई आ नहीं सकता, क्योंकि बाप को पहचानने और नॉलेज ली सब तो आ न सके, देवताएं तो वहाँ बहुत थोड़े होते हैं। अभी इतने हिंदू असल में देवताएं हैं ना, परंतु वे थे पावन, ये हैं पतित। पतित को देवता कभी शोभता नहीं, पतित को देवता कहें ये शोभता नहीं। अभी इतने हिंदू हैं, असल में देवताएं तो हैं ना, देवता थे वो, हैं नहीं, परंतु वे भी पावन, ये हैं पतित। पतित को देवता कहना शोभेगा ही नहीं। ये एक ही धर्म है, जिस धर्म भ्रष्ट, जिसे धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, क्या बना दिया है, धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट। अब तुम बच्चे ईश्वरीय दुनिया में बैठे हो, ये सब है आसुरी दुनिया, ये बहुत छोटा संगम युग है। तुम समझते हो हम देवी परिवार में हैं ना आसुरी संसार में, इस हम ईश्वरीय संसार में हैं। बाप को छोड़कर आत्मा ने, मैं बाप आए हैं हमको अपने घर ले जाने के लिए। बाप कहते हैं ये मेरा घर है, तुम्हें तुम्हारे खातिर मैं अपना घर छोड़कर यहाँ आता हूँ, भारत को सुख धाम बनाता हूँ। अब तुम बच्चे ईश्वरीय दुनिया में बैठे हो, वे सब है आसुरी दुनिया, ये बहुत छोटा संगम युग है। तुम समझते हो हम ना देवी संसार में है ना आसुरी संसार में, हम ईश्वरीय संसार में। बाप आए हैं हमको घर ले जाने के लिए। बाप कहते हैं ये मेरा घर है, तुम्हारी खातिर मैं अपना घर छोड़कर आता हूँ, भारतवासियों को सुखवासी, सुख धाम वासी बनाता हूँ। फिर थोड़े ही आता हूँ, मैं विश्व का मालिक नहीं हूँ। तुम बनते हो इस ब्रह्मांड के मालिक, ब्रह्मांड में सब आते हैं, अभी भी वहाँ मालिक बने बैठे हैं जिसको बाकी आना है, परंतु वे आकर विश्व के मालिक नहीं बनते। अभी जो परम धाम में बैठी आत्माएं हैं उनको अभी आना है, परंतु वो आकर विश्व का मालिक नहीं बनते। जो शुरू से आएंगे वही अंत तक जन्म लेते हैं, जो आते ही लेते हैं उनके जन्म भी काम होते हैं। वंडर है, यहाँ कहते भी हैं हम पवित्र बनेंगे, फिर यहाँ से बाहर गए पतित बन जाते। ऐसे ऐसे कच्चों को नहीं ले आओ, जांच में जांच करनी है, ब्राह्मणी का काम है ये। तुम जानते हो कि आत्मा सही शरीर धारण कर पाठ बजाती है, उनको अविनाशी पाठ मिला हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और खुद मर। मुख्य बातें लाइट हाउस बन, सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है, सबकी नैया को दुख धाम से निकाल सुख धाम में
ले जाने की सेवा करनी है, अपना भी कल्याण और सबका कल्याण करना। याद में आंखें खोल कर बैठना है, बुद्धि में रचता और रचना की, बुद्धि में रचता और रचना का स्मरण करते रहना है। बुद्धि से रचता रचना को स्मरण करना है, वरदान है। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति से अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति से अविनाशी स्नेह, स्नेह भी कैसा अविनाशी, और सहयोग प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। तो आपके पास संबंध की भी शक्ति है, ऐसे श्रेष्ठ गार्डन की भी, ऐसे श्रेष्ठ अलौकिक जीवन वाली शक्ति, संपन्न वरदानी आत्माएं ही। इसलिए अर्जुन, इसलिए अर्जी करने वाले नहीं सदा राजी रहने वाले याद करो। अर्जी और प्रार्थना करने वाले नहीं बनो, स्लोगन है। कोई भी प्लान विदेही साक्षी बन सोचो और सेकंड में प्लान स्थित बनाते जाओ। कोई भी प्लान विदेही प्रार्थी बन सेवा और सेकंड में प्लान स्थिति करते जाओ। कोई भी प्लान विदेही बना बनकर अशरीरी बन के करेंगे ना तो सेकंड में सफलता मिल जाएगी। ओम शांति। बाबा ने उनको सब हो सेल्वेशन आर्मी।